नमस्ते बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे बुद्धिमान हग्गू। एक तालाब था, शगर के पूर्व में एक तालाब था। उसके किनारे आम का वृक्ष था। बच्चे फल तोड़ने के लिए पत्थर मारते थे। उसी तालाब में एक मेंढक रहता था। उसका नाम हकू था। पत्थर से डरकर हकू बाहर आया और किनारे पर बैठ गया। उसी समय रखू कौवा उड़ता हुआ वहां आया। अपनी चोंच में हकू को पकड़ लिया। रखू कौवा हकू मेंढक को ले वृक्ष की डाल पर जा बैठा। वह उसे खाने की तैयारी करने लगी। बुद्धिमान हकू बोला, भैया मैं मिट्टी से गंदा धो लो फिर स्वाद से खाना। धोने के लिए उसको नीचे रखा और पानी लेने के लिए तालाब की ओर मुड़ा। तभी मौका पाकर हकू ने पानी में चला गया। रखू कौवा ने आवाज लगाई, कहा हो? अरे भाई कहा हो? हकू बोला, कौवे भैया मैं अपने घर में हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। रखू कौवा मुख लटका कर उड़ गया। रखू कौवा मुख लटका कर उड़ गया। What is the moral of the story? बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का हल हो सकता है। I understand the story, children. Very good. We'll meet in the next class. Till that, dhanyavad. Thank you, children. Meaning, shabdarth, aam, mango, bacche, children, patthar, stone, chonch, beak, vriksh, tree, talab, pond, mendak, frog, avaz, voice, doll, branch, dona, to wash, kinare, on the bank, bait gaya, sat down, tabi, at the moment, mauka, opportunity.